चुनावी प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में अपनी ताकत झोंकती है। इसी कड़ी में आज सोमवार को सोहना तावड़ू विधानसभा से आजाद उम्मीदवार कल्याण सिंह चौहान ने तावड़ू की अनाज मंडी में एक जनसभा का आयोजन किया, जहां सोहना तावड़ू विधानसभा के अनेकों गांवों से आए हजारों की संख्या में लोगों ने अपना आशीर्वाद व समर्थन कल्याण सिंह चौहान को दिया और पंडाल में मौजूद लोगों ने फुलमाऊ पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। लग रहा था कि हवा का रुख ही बदल गया था। लोगों का इतना जन समर्थन देख कल्याण सिंह चौहान गदगद हो उठे। उन्होंने लोगों से वादा भी किया कि अगर उनका साथ मिला तो वो यहाँ के लोगों की सभी समस्याएं दूर करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियों ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का भी दावा करती नजर आ रही है। हालांकि अभी तो देखना बाकी होगा कि आने वाली 5 तारीख को जनता किसी के सर पर जीत का सहरा बांधती है। इसी कड़ी में आज तावड़ू अनाज मंडी में अपने प्रिय आजाद उम्मीदवार कल्याण सिंह चौहान के विचार सुनने के लिए हजारों बुजुर्ग महिला युवा पहुंचे। पंडाल में कल्याण सिंह चौहान के जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। चारों तरफ सीटियां बजती नजर आ रही थीं। लग रहा था कि लोग अब की बार बदलाव के मूड में हैं। लोगों का इतना प्यार व समर्थन देख चौहान भी गदगद हो उठे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि आज जो जनसभा में समर्थन मात्र शक्ति और बाकी लोगों से मिल रहा है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। वहीं उन्होंने जनता के भरोसे को व्यर्थ न जाने देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनता के बीच रहकर जनता के काम किए हैं। सोहना गुरुग्राम जिले की मिलेनियम सिटी का हिस्सा है, पर लगता नहीं हम 2024 में जी रहे। सोहना में कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। आज एक जनसभा जन आशीर्वाद बनकर सोहना के तावड़ू के इस बच्चे को आशीर्वाद देने आया और मुझे लगता है ये एक जवाब भी है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने डमी कैंडिडेट्स को उतार कर सोहना तावड़ू को जनता को छलने का काम किया और जनता ने जब अपना कैंडिडेट को आशीर्वाद दिया तो मुझे लगता है जब 8 तारीख को परिणाम आएगा तो सोहना तावड़ू एक नई तकदीर लिखने नया इतिहास लिखने का काम करेगा। कुछ टिकट को लेकर नाराजगी रही तो क्या कहेंगे उसको? देखिए, जब जनता के बीच में हमने रह के काम किया, हमने जाति पाति धर्म बिना भेदभाव किए जनता के बीच में रह के काम किया और उसके बावजूद भी कुछ लोगों को लगता है कि ये काम करना, और मैं तो ये कहूँगा उन्होंने एक तरह से जनता की स्वीकार्यता को अलग करने का काम किया। और मैं बड़े विश्वास से आप लोगों को कहता हूँ कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उन लोगों को इसका जवाब भी मिल जाएगा। सर, एक अलग हट के मुद्दे क्या होंगे? गुड़गांव मिलेनियम सिटी के अंदर सोहना गुड़गांव जिले का हिस्सा है और उसके बाद भी जब गुड़गांव से चलकर आप सोहना आते हैं तो ऐसा लगता है 1947 के किसी एक हिस्से में आए हैं। वो लगता ही नहीं है कि हम 2024 में जी रहे हैं। यहाँ से विधानसभा की आवाज़ को बुलंद करना, क्षेत्र की जो समस्याएं आज तक हमारी बहन बेटियों के लिए, एक कॉलेज की शुरुआत हुई, घोषणा हुई, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हुआ। जब मूलभूत सुविधाएं इस क्षेत्र के लिए नहीं है तो आप समझ सकते हैं सोहना आज किस मुकाम पर खड़ा है। ये कौन सा पार्टी का जो नेता है जिसको फॉर्म भरने नहीं आया और राष्ट्रीय पार्टी का नेता बना हुआ, जिसको तो पता है कि मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। यहाँ नाम लेना मेरे संस्कार में नहीं, मेरी संस्कृति में नहीं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्टी ऐसे लोगों को जनता पे थोपने का काम कर रही है जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता। अपार जन समर्थन जो आपको, क्या कहेंगे इसे? ये जन समर्थन जन आशीर्वाद के रूप में मुझे मिला है। सोहना तावड़ू की जनता ने आज दिखा दिया, जो 10 साल से काम मैंने किए उसे एक पार्टी ने नकारा है, जनता ने नहीं नकारा है। जो मंत्री के बाद जीत के बाद किस पार्टी पर आरोप करेंगे? कोई भी सरकार जनता जनार्दन जब चुनती है
तो कोई भी फैसला जनता जनार्दन से पूछ के ही होता है। धन्यवाद।